हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्पीड। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम इमेज से रिलेटेड इमेज को शो और हाइड करने के लिए एक प्रोग्राम बनाएंगे। सो स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने कंप्यूटर स्पीड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक वाले बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में शेयर वाले आइकन पर क्लिक करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। स्टूडेंट्स, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त हो सके। सो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया है कि आज की वीडियो में हम लोग इमेज से रिलेटेड इमेज को शो और हाइड करने के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं। सो स्टूडेंट, आइए देखते हैं उसका इंटरफेस कैसा होगा। स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखो स्टूडेंट, यहाँ पे प्रोग्रामिंग यहाँ पे की गई है कुछ इस तरीके से। और इसी ऐप्स को मुझे क्या करना है, आपको यहाँ पे बना के दिखाना है और आपको भी इसे करना है। स्टूडेंट्स देखो, शो एंड हाइड एप्स बाई वी के साथ लिखा गया है। हाइड पे क्लिक करते ही हाइड हो जा रहा है, शो पे क्लिक करते ही आपको शो हो जा रहा है। अभी कैसे बनेगा स्टूडेंट, ध्यान से देखो, आइए करके देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट आप क्या करो, यहाँ पे विंडोज आर बटन को प्रेस करो। इसमें जाके नोट पैड को आप क्या करोगे, टाइप करोगे और ओके वाली बटन पर क्लिक कर दोगे। जैसे ही ओके वाली बटन पर क्लिक कर दो स्टूडेंट, ध्यान से देखो नोट पैड चालू हो गया। सबसे पहले आप क्या करोगे स्टूडेंट, ध्यान से देखो, नोट पैड चालू करने से पहले आप डेस्कटॉप पे जाओ और एक न्यू नाम का फोल्डर बना लो और इसका नाम कुछ भी आप रख दीजिएगा। जैसे मैंने लिखा इमेजेस प्रोग्राम, ठीक है, इस तरीके से। और इसी के भीतर एक फ़ोटो भी क्या करूँगा स्टूडेंट, यहाँ पे रख लूँगा। तो फोटो यहाँ पे इसमें रखा गया स्टूडेंट, मैं इस फोटो को यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ। इसमें ध्यान से देखो, इसमें एक फ़ोटो आपको यहाँ पे मिल गई है। अब आपको करना क्या स्टूडेंट, अपनी इस फाइल को यहाँ पे तैयार करना है। सबसे पहले स्टूडेंट आप क्या करो, डॉक टाइप को इस तरीके से डिक्लेयर करो और यहाँ पे HTML ऐसे टाइप करो। इसके बाद फिर से HTML टैग को चालू करना है और HTML टैग को क्या कर दो, ऐसे बंद कर दो स्टूडेंट्स। इसके बाद आप इसमें अगली टैग जो है उसका नाम हेड टैग होता है उसको चालू कर दीजिए और फिर हेड टैग को यहाँ से क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। देन बॉडी टैग को ऐसे चालू करिए और फिर बॉडी टैग को भी यहाँ से क्या कर दीजिएगा, बंद कर दीजिएगा, ठीक है। हेड टैग के अंतर्गत आपको टाइटल टैग को निर्धारित करना है, तो टाइटल टैग को चालू करो और टाइटल को यहाँ पे क्या कर दो स्टूडेंट, यहाँ से बंद कर दीजिएगा ऐसे, ठीक है। या आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो यहाँ पे शो आर हाइड में, तो आप यहाँ पे लिखो शो इस तरीके से आर हाइड प्रोग्राम्स, ठीक है। मैंने ऐसे इसमें टाइटल डिफाइन किया। फाइल में जाके सेव करता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे सेव एज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डेस्कटॉप पे जाऊँगा। और क्या मैंने फाइल का नाम डाला था यहाँ पे अभी इमेजेस प्रोग्राम, ओके, ध्यान से देखो स्टूडेंट यहाँ पे इमेजेस, ठीक है। मैं इसी को खोलता हूँ और यहाँ पे कोई भी फाइल का नाम डाल देता हूँ। जैसे मैंने इंडेक्स यहाँ पे या इंड डाल के .html करके यहाँ पे फाइल को क्या कर दिया, सेव कर दिया HTML। मैं सेव करता हूँ फाइल को, अब ध्यान से देखो फाइल सेव हो गई स्टूडेंट। कहाँ पर है, आपके इसमें है, इसी पर जाओ, यानी इमेजेस प्रोग्राम में थे, राइट क्लिक करो, ओपन विथ पे जाओ और इसे गूगल क्रोम पे क्या कर दोगे, ऐसे खोल दोगे स्टूडेंट्स। तो ध्यान से देखो यही आपका प्रोग्राम है, अभी इसमें कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स। आप ध्यान से देखो क्या लिखा गया है, शो एंड हाइड एप्स बाई वी के सर, ये कैसे बनेगा स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान से देखो। आओ आप अपनी बॉडी वाले इस टैग में, ठीक है, यहाँ पे ओके, बॉडी टैग के अंतर्गत आके H1 के द्वारा आपको लिखना है। लेकिन सबसे पहले आप स्टूडेंट सारा चीज़ सेंटर में होना था, तो आप ड्यू टैग को ऐसे चालू कर दीजिएगा और फिर ड्यू टैग को यहाँ से क्या कर दीजिएगा, बंद कर दीजिएगा और अलाइन एट्रीब्यूट का प्रयोग करके यहाँ पे सेंटर में इसे पास कर दीजिएगा, जिसके कि कोई भी चीज़ इसमें जो बनेगी वो सेंटर में चली जाएंगी। अब इसी के भीतर स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले फ़ोन टैग चालू कर लेना है और फ़ोन टैग को ऐसे क्या करना है, बंद कर लेना है। और फ़ोन के भीतर आप क्या चालू करोगे, H1 को चालू करोगे, क्योंकि H1 के माध्यम से मुझे बड़ी वाली हेडिंग दिखानी थी। सो मैंने H1 यहाँ पे चालू किया और H1 को क्या कर दिया, यहाँ से बंद कर दिया है। और इसी में मुझे लिखना है शो इस तरीके से और हाइड एप्स बाई यहाँ पे VK, इस तरीके से मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ VK और इसके बाद क्या लिखता हूँ यहाँ पे सर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये ध्यान से देखो मैंने यहाँ पे टाइप किया सर, ठीक है। मैं इसको बैक करके एक लाइन में कर देता हूँ ऐसे, ठीक है, ओके। मैं अब फाइल को कंट्रोल एफ द्वारा सेव करता हूँ। आप ध्यान से देखो फाइल सेव हो गई है,
मैं अपने इस प्रोग्राम पे जाऊंगा और रिलोड करता हूँ स्टूडेंट, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सो आर हाइड एफ्स बाई वी के सर, ठीक है, इसको आप फॉन्ट के द्वारा थोड़ा सा डेकोरेशन दे दो। तो फॉन्ट में जाओ, सबसे पहले कलर को आप प्रयोग करो आप यहाँ पे, और इसके कलर को आप कर दो यहाँ पे रेड इस तरीके से, और यहाँ पे आप फेस का प्रयोग करके इसे कर दीजिएगा सेंचुरी गोथिक, सी ई एन टी यू आर और इसके बाद गोथिक, ठीक है, ऐसे अब सेव कर दो कंट्रोल एस के द्वारा। स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, आपको कुछ इस टाइप का दिख जाएगा, दिख क्या, अब मुझे इसके नीचे एक फ़ोटो और दो बटन बनानी है। तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले मैं IMG टैग को चालू करके SRC यहाँ पे लिखता हूँ और फोटो का नाम यहाँ पे पुट कर दूँगा। क्या पुट करना है, 1.jpg जेपी इस तरीके से होगा आपका जी, ठीक है स्टूडेंट। और मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको एक ID दे देता हूँ क्योंकि मुझे ID की ज़रूरत होगी आगे चल के, सो ID दे देता हूँ इसका ये। अब इसे सेव कर देता हूँ कंट्रोल एस द्वारा। आप ध्यान से देखो स्टूडेंट कैसा दिखा, मैं रिलोड करता हूँ यहाँ पे, आपको इस तरीके का दिखा। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे दो बार BR टैग का प्रयोग कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से, और इसके नीचे दो बटन बनानी है, एक शो और एक हाइड के लिए। तो बटन बनाने के लिए इनपुट टाइप का प्रयोग करोगे और यहाँ पे क्या करोगे, टाइप की टाइप में आप क्या डालोगे यहाँ पे स्टूडेंट, बटन, क्योंकि आप क्या बनाना चाहते हो यहाँ पे बटन, सो बटन आपने यहाँ पे डाला, ओके, और वैल्यू में पास कर दोगे स्टूडेंट्स जो बटन का नाम चाहिए वो। तो वैल्यू में मैं बटन का नाम चाहता हूँ कि बटन का नाम यहाँ पे शो दिखे, ठीक है स्टूडेंट। बस इसको बंद कर देता हूँ और इसी को सिंपली मैं क्या करता हूँ Ctrl+C द्वारा कॉपी करता हूँ और एक बार और पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, और शो के जगह पे मैं क्या रख दूंगा स्टूडेंट यहाँ पे हाइड इसका नाम यहाँ पे रख दूंगा ऐसे ही, ठीक है स्टूडेंट। अब मुझे क्या चाहिए, मैं Ctrl+S बटन को प्रेस करके सेव करके सबसे पहले इसका इंटरफेस देख लेता हूँ। तो मैंने रिलोड किया स्टूडेंट, ध्यान से देखो ऐसा दिखा। अभी मुझे क्या करना है स्टूडेंट कि जब मैं हाइड पे क्लिक करूँ तो ये हाइड हो जाए, शो पे क्लिक करूँ तो शो हो जाए। सो अभी क्या करना है, मैं हाइड वाली कोडिंग पे जाऊंगा और यहाँ पे आन क्लिक एट्रीब्यूट का प्रयोग यहाँ पे करूँगा, इक्वल साइन दे के स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने क्या डाला था, अभी इमेज का नाम यहाँ पे A. लिखूँगा, SRC बराबर यहाँ पे इक्वल साइन के अंतर्गत यहाँ पे सिंगल कोड डालना है स्टूडेंट्स, और इसी के भीतर आपको लिखना है यहाँ पे, यहाँ पे ध्यान से देखो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिख लोगे A.SRC और फिर बराबर डाल के स्टूडेंट यहाँ पे सिंगल कोड के अंतर्गत आप पास कर दोगे। क्या पास करना है, मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ, कौन सी बटन पे, हाइड वाली पे, तो SRC की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, खाली हो जानी चाहिए। बस ऐसा ही मैंने डिफाइन किया स्टूडेंट। अब मैं फाइल को सेव करता हूँ Ctrl+S के माध्यम से, आप ध्यान से देखो सेव कर दिया मैंने फाइल को। मैं रिलोड करता हूँ अभी और हाइड पे क्लिक करते ही ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका हाइड हो जाएगा। मैंने क्लिक किया अभी, आप ध्यान से देखो हाइड हो गया। अब शो पे क्लिक करते ही दिखना चाहिए, लेकिन देखो नहीं काम कर रहा है क्योंकि अभी इसकी कोडिंग नहीं की गई है। सो मैं क्या करता हूँ, दोबारा से यहाँ पे जाऊँगा अपने HTML के इस नोटपैड एडिटर में और यहाँ पे आन क्लिक एट्रीब्यूट का प्रयोग कर दूंगा, इक्वल साइन दे के स्टूडेंट्स डबल एंटर कामा के अंतर्गत यहाँ पे लिखूँगा A.SRC इक्वल साइन और फिर A.SRC बराबर डाल के स्टूडेंट मैंने क्या किया है यहाँ पे सिंगल कोड के अंतर्गत मैंने इमेज को डाल दिया। तो इमेज का नाम था 1.jpg, सो 1.jpg ऐसा पुट किया। स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान से सुनो आप इसे, क्या मतलब है इसका स्टूडेंट्स, इस IMG की जो ID है वो क्या है, A है। तो मैंने यही लगाया है कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो IMG सेलेक्ट हो जाए और उसकी SRC में जो वैल्यू आए वो क्या है, A.SRC, यानी उसकी वैल्यू कौन सी आनी चाहिए, 1.jpg, यानी ये 1.jpg असाइन होके इसके माध्यम से कहाँ पे लग जानी चाहिए थी, यहाँ पे आपके IMG में। IA लिखने का मतलब क्या है, IMG को मैंने लिखा है ना, यहाँ पे ये लिख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, मैंने IMG को लिखा, इस वाले IMG को, और इसकी SRC में कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, 1, और यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, ये की वैल्यू में क्या आनी चाहिए थी, खाली, इसी की वजह से वो हाइट हो जा रहा था। अब यहाँ पे इस वाले पे यानी शो वाले पे क्लिक करते ही आपको क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वो दिख जाएगा। सो Ctrl+S बटन को प्रेस करता हूँ स्टूडेंट और फाइल सेव हो जाएगी, फाइल सेव हो गई है। मैं इसको रीलोड करता हूँ स्टूडेंट, तो ध्यान से देखो ऐसा दिखा, मैं जैसे ही हाइड पे क्लिक करता हूँ ये हाइड हो जाएगा, ध्यान से देखो हाइड हुआ, शो पे क्लिक करते ही दिखेगा कि देखो दिख गया, हाइड पे क्लिक किया यहाँ पे छिप गया और शो पे क्लिक किया तो दिख गया।
स्टूडेंट्स, यही फंक्शनलिटी हमें आज इस ऐप्स के अंतर्गत बनानी थी जो मैंने आपको बना के दिखा दी। स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। स्टूडेंट्स, किसी भी प्रकार का यदि आपको सजेशन है तो स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में जरूर राइट करके मुझे बताएं कि वीडियो कैसी लगी। स्टूडेंट, कंप्यूटर स्पीड चैनल की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।